क्या बोल सकते बोलो। देखो एक छोटा सीन मुझे याद आता है, एक पुलिस स्टेशन के अंदर दलित बच्चे अरेस्ट होकर हैं, एक पुलिस स्टेशन के अंदर मुसलमान बच्चे अरेस्ट होकर हैं, उसी पुलिस स्टेशन के अंदर बजरंग दल के लोग भी अरेस्ट होकर हैं, ये तीनों लोग वहां पर बैठकर हैं और तीनों लोगों के ऊपर केस होने वाला है। उसी टाइम पर वहां पर बीजेपी का एक एमएलए आते हैं, वहां पर आकर पुलिस वालों को वार्निंग देकर धमकी देकर वो पूरे बजरंग दल के लोगों को छुड़ा के लेके जाते हैं। ये जो मुसलमान नौजवान वो स्टेशन में बैठ के रहते सो, ये जो दलित नौजवान वो स्टेशन पर बैठ के रहते सो, उनके दिल में एक सवाल, हमारे लीडर आएंगे क्या, हमें जिनको वोट देकर भेजे ना उन आएंगे क्या? वो लीडर नहीं आते। क्यों बोले तो वो लीडरों को ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हें ऐसा जाके मुसलमानों के वास्ते दलितों के वास्ते ओपनली काम मत करो, ओपनली काम करे तो हमारे पार्टी का नाम खराब हो जाते, हमने ऐसे लोगों की भी जरूरत नहीं। अगर तुम्हें दलित हो, अगर तुम्हें मुस्लिम हो, अपने आप को एक मुस्लिम एमएलए बोलना, अपने आप को एक दलित एमएलए बोलना, ये शर्म की बात नहीं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शर्म की बात नहीं। जब एक बीजेपी का आदमी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर सकते हैं तो कांग्रेस रहने दो, जेडीएस रहने दो, ये लोग क्यों आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करते? क्यों अपने आप को एक मुस्लिम एमएलए बताकर सामने क्यों नहीं आते? क्यों मुस्लिम बच्चों के हक के लिए सामने नहीं आते? देखो हमारे ये जो सवाल है ना, ये सवाल का उनके पास जवाब नहीं, इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं।